सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज के वीडियो में हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव डील करने वाले हैं, ठीक है। दो पार्ट में इसे हम लोग डील करेंगे, दो पार्ट टोटल आएगा। एक पार्ट जो ये आप पार्ट वन देख रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिकली दो टॉपिक डील किया है, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा स्टेयर केस, दूसरा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग लाइन्स एंड डायमेंशन करेंगे डिस्कस, फिर दूसरा डोर्स एंड विंडो करेंगे एंड पर्सपेक्टिव। तो इसी तरीके से दो पार्ट में आपका पूरा बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस मैं ऑब्जेक्टिव आपका फिनिश कर दूंगा। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप जितना ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो में आपको पार्ट वन और पार्ट टू मिला के बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आप लोग पढ़ लिए अच्छे से तो एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला है। और बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट ही ऐसा है जिससे सबको ही डरते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि बिल्डिंग ड्राइंग में कैरी लग जाएगा, कैरी और लगता भी है। मोस्टली बच्चे को अगर कैरी लगता है तो बिल्डिंग ड्राइंग में लगता है, बट फिर भी घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक वन देखते हैं, स्टेयर केस जो हमारे सामने है। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और भूलिएगा बिल्कुल नहीं, आप लोग अपना कॉपी किताब लेके बैठे और लिखते जाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स के चक्कर में ना रहे, लिखते जाए, जो जो आपको डाउट हो रहा है सब लिखते जाए। चलिए देखिए, सबसे पहला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो आया है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट शुड जनरली बी। अब देखिए फ्लाइट मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये हम लोग बनाए, मान लीजिए ऐसे करके सीरी रहता है ना, ये ऐसे ऐसे करके मान लीजिए इसमें सीरी दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड्स एंड राइजर, ठीक है। इसको हम लोग ये भी आप लोग समझ लीजिए, किसको थ्रेड बोलते हैं किसको राइजर बोलते हैं। ये जो होता है ये हमारा ये वर्टिकल पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं राइजर, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है इसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद रह गया तो बहुत क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो देखिए ये है हमारा फ्लाइट है ना, तो ये फ्लाइट में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, ये दो एक थ्रेड और एक राइजर को बोल के हम लोग इसको स्टेप बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्टेप है, इनकी एक स्टेप, इस पे बोलते हैं एक कदम चलना, ठीक है। तो कितना मिनिमम होना चाहिए कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हमारा, ठीक है। आप लोग आंसर भी लिखते जाए, मिनिमम नंबर ऑफ जो स्टेप्स होना चाहिए वो तीन होना चाहिए, तीन से कम स्टेप नहीं दे सकते हम लोग। और मैक्सिमम जो होता है 12 ही देना चाहिए एक फ्लाइट में। उसके बाद क्या होता है, फ्लाइट ऐसे टर्न होता है, होता है ना, तो उसमें फिर हम लोग नेक्स्ट आगे का स्टेप देंगे, क्योंकि 12 स्टेप में तो हम लोग, अगर मान लीजिए दो मंजिला है एक मंजिला, तो 12 स्टेप में तो हम लोग पहुंचने जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। टाइमर गलत जगह पे स्टार्ट होता है कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ थ्रेड एंड राइजर मस्ट बी बिटवीन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मैं आप लोग को बता देता हूँ क्लियरली। देखिए ये मान लीजिए मैंने बताया आप लोग को, जैसा कि ये जो होता है हमारा ये होता है थ्रेड, इसको बोलते हैं, और ये जो होता है हमारा राइजर बोलते हैं। तो थ्रेड और राइजर का सम मिला के, दोनों का जोर मिला के, यानी इस डिस्टेंस को कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 300 से 350 mm होना चाहिए, 400 से 450 mm होना चाहिए, 500 से 550 mm होना चाहिए, 600 से 650 mm होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 से 450 mm का डिस्टेंस दोनों के बीच में, दोनों को मिला के, दोनों का डिस्टेंस को मिला के होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ टर्न स्टेयर आर द स्टेयर विथ चेंज डायरेक्शन थ्रू। हाफ टर्न स्टेयर जो होते हैं वो डायरेक्शन जो अपना चेंज करते हैं वो कितने डिग्री पे करते हैं, क्या वो 90 डिग्री पे करते हैं, 180 डिग्री पे करते हैं, 270 डिग्री पे करते हैं, या 360 डिग्री पे करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाफ टर्न स्टेयर की बात कर रहा है, ठीक है, हाफ टर्न स्टेयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा यहाँ पे वो है, द वर्टिकल पोस्ट प्लेस एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लाइट सपोर्ट्स द हैंडल इज नोन एज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो हम लोग एक सेकेंड, हाँ ये जो क्वेश्चन है आप लोग का, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये है आपका फ्लाइट, ठीक है, इसको हम लोग एक रेलिंग आपको मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये जो होता है इसमें हम लोग ऐसे ऐसे आप लोग देखे होंगे अपने घर में, ये होता है ब्लस्टर, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ब्लस्टरेड बोलते हैं हम लोग। और इसके बाद ये जो होता है ऊपर का ये रेलिंग होता है, और इसके यहाँ बगल में ऐसे करके बना हुआ रहता है ना ऐसे ऐसे, इसके ऊपर क्या रहता है आप लोग गोल गोल देखे होंगे ऐसे पकड़ने के लिए, हाथ रखने के लिए ऐसे करके दोनों साइड बना हुआ रहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या, ब्लस्टरेड होगा, न्यूअल पोस्ट
पोस्ट होगा, रेलिंग होगा, ऑल होगा। आप ही दिमाग लगाइए, ब्लस्टेट होगा नहीं, क्योंकि ब्लस्टेट हम लोग इसको बोलते हैं, न्यूवल पोस्ट देखते हैं हम लोग, रेलिंग रेलिंग तो होगा नहीं, रेलिंग इसको बोलते हैं, और ऑल हो नहीं सकता, इसका कंडेंसर हो जाएगा न्यूवल पोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के, देखिए डॉग लेग स्टेयर, ठीक है, डॉग लेग स्टेयर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम से, डॉग लेग स्टेयर से बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो डॉग लेग स्टेयर सबसे पहले कहते हैं किसको है, तो आपको देखिए, आपको अगर इस फ्लोर पे जाना है तो आप ऐसे एक स्टेयर देखे होंगे ना, आप ऐसे चलते होंगे, जनरली सब जगह यही पाया जाता है, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके रहता है तो आप लोग फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डॉग लेग स्टेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डॉग लेग स्टेयर। तो ये जो डॉग लेग स्टेयर होता है ये कैसा होता है, ठीक है, हाफ टर्न होता है या क्वार्टर टर्न होता है, स्ट्रेट स्टेयर होता है या ऑल होता है। तो ये हाफ टर्न होता है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि देखिए हाफ टर्न है ना, आधा दूर जाके हम लोग इसमें टर्न ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाफ टर्न। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नोजिंग इज आउटर प्रोजेक्शन एज। अब देखिए नोजिंग होता क्या है, पहले ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, नोजिंग होता क्या है। तो देखिए बेसिकली ये जो मैंने बताया आप लोग को, ये ऐसे करके मैंने बताया ना आप लोग को, ये होता है, इसको हम लोग राइजर बोलते हैं, इसको थ्रेड बोलते हैं। तो बेसिकली जब आप अपने घर के भी स्टेयर केस को देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आप थ्रेड के आगे हल्का सा ऐसे करके निकला हुआ रहता है ना, ऐसे करके देखिए आप लोग इमेजिन कीजिए, ठीक है, ऐसे करके निकला हुआ रहता है। तो ये जो थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है इसी के बारे में पूछ रहा है, ये नोजिंग किस में होता है। तो बेसिकली मैंने आप लोग को बता दिया कि ये थ्रेड में होता है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है सातवां नंबर क्वेश्चन, आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग लास्ट तक देखिए, आप लोग को सबसे समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रेड, ठीक है, देखिए टू ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या हुआ आप लोग को मैंने बता दिया यहाँ पे, ये जो होता है, ये होता है राइजर, ये होता है ट्रेड। तो दो ट्रेड यानी कि दो थ्रेड के बीच का ये वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया कि वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, राइजर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेड। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट जो आठवां नंबर क्वेश्चन हमारा है, आठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबा होगा मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो आप लोग चैन से बैठ के देखिए। हाइट ऑफ रेलिंग शुड नॉट बी लेस देन, रेलिंग का मैंने जैसे आप लोग को बताया, आप लोग को दिखाया कि इसका हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, इससे कितना से कम नहीं होना चाहिए, क्या 85 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो नंबर क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। तो नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द एंगुलर स्टेप्स टू कवर ए लेवल डिफरेंस इन कंपैरेटिव लेस स्टेप इज नोन एज, ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ आप लोग ध्यान से देखिए, एंगुलर स्टेप, ठीक है, लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल का डिफरेंस में जो होता है उसको कम स्पेस लेने के लिए जो एंगुलर स्टेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग विंडर्स बोलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहां पे, ये देखिए इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, किस बिल्डिंग का बात हो रहा है, रेसिडेंशियल, जिसमें आदमी लोग रहते हैं, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में राइज ऑफ स्टेयर, ठीक है, राइज ऑफ स्टेयर केप्ट इक्वल टू कितना, राइज स्टेयर जो होता है उसका राइज कितना रहना चाहिए, ठीक है, क्या वो 125 50 mm होना चाहिए, क्या वो 200 से 250 mm होना चाहिए, क्या वो 250 से 300 mm होना चाहिए, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 125 टू 150 mm, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 125 से 150 mm, यानी कि राइज का, ठीक है, हाइट ऑफ राइज होना चाहिए कितना, मिनिमम 125 से 150 mm के बीच में होना चाहिए। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारा, 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग। अब देखिए लैंडिंग मतलब क्या होता है, पहले मैं ये आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि लैंडिंग मतलब क्या होता है। तो आप लोग देखिए, आप लोग जैसे कि ये मान लीजिए आप लोग का फ्लाइट है, ठीक है, फ्लाइट आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड राइजर। तो ये मान लीजिए आप लोग का फ्लाइट है, ठीक है, ये जहां पे हम लोग लैंड करते हैं यानी जहां से चढ़ते हैं या उतरते हुए आते हैं, एक जगह आता है जहां पे हम लोग उतरते हैं, तो उसी जगह को बोला जाता है लैंडिंग, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है कि मिनिमम विड्थ, लैंडिंग का विथ कितना होना चाहिए, विथ मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम लोग इतना दूर मान लीजिए उतर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जितना दूर स्टेयर रहेगा उतना ही विथ रहेगा इसका भी, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू द विथ ऑफ स्टेयर। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको खींचने का। चलिए नेक्स्ट हमारा सेकेंड टॉपिक में आता है हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारा, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन आप लोगों को पता है ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आप लोग पढ़े होंगे बिल्डिंग ड्राइंग में अच्छे से, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये पूछ रहा है कि इसका मिनिमम
मिनिमम डेप्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम डेप्थ सबसे कम डेप्थ कितना देना चाहिए जनरली, ठीक है। इसका ऑप्शन है 1000 mm, 1050 mm, 900 mm, 750 mm। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 mm। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे हमारे सामने, कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द कार्पेट एरिया शुड बी डैश ऑफ फ्लोर एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, कार्पेट एरिया क्या होता है पहले ये समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, इसमें हम लोग किचन डाले, बाथरूम डाले, बालकनी डाले, तो किचन बाथरूम बालकनी ये सब को एक्सक्लूड करके जो एरिया बसता है जिसमें हम लोग खड़े रह सकते हैं, जिसमें हम लोग चल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्पेट एरिया, ठीक है। तो कार्पेट एरिया कितना परसेंट होता है टोटल फ्लोर एरिया का, 50-60%, 65-70%, 70-80% या और। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50-60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने, जो 14 नंबर क्वेश्चन होगा, वीडियो लंबा हो रहा है मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग पेशेंस बना के देखिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, द डिटेल ऑफ फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग कैन बी ऑब्टेन। आई होप आपको बोरिंग भी नहीं लग रहा, सबसे अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। देखिए द डिटेल ऑफ फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, अब क्या बोला यहाँ पे, एक बिल्डिंग है ठीक है, उसका फाउंडेशन का डिटेल किस चीज से ऑब्टेन हो सकता है। फाउंडेशन है मान लीजिए इसका, किस चीज से फाउंडेशन का डिटेल, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग काटेंगे ठीक है। इसको अगर काट के हम लोग सामने से देखेंगे तो इसका डिटेल अंदर में क्या क्या मटेरियल है पता चल जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन। क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। 15 नंबर पूछा जा रहा है, लिंटल आर प्रोवाइडेड है, लिंटल जो होता है वो कहाँ डाला जाता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ लिंटल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका, मान लीजिए यहाँ पे एक दरवाजा बन रहा है ठीक है, दरवाजा बन रहा है, तो ये बीच का जो स्पेस है ये खाली है। अब यहाँ के ऊपर ऐसा थोड़ी कि यहाँ भी खाली होगा, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ वॉल होगा, तो इसका लोड कौन सा रहेगा, इसका लोड तो यहाँ खाली है, तो इसलिए यहाँ पे लिंटल डाला जाता है। सेम केस विंडो में भी होता है, विंडो है ठीक, यहाँ तो खाली है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या डालते हैं, लिंटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और बरंडा के बाहर भी डालते हैं क्योंकि बरंडा में क्या होता है, ओपन होता है, तो उसका लोड कौन झेलेगा, तो सब लिंटल काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग हम लोग किस चीज़ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक बिल्डिंग अगर हम मान लीजिए हम लोग बनाए हैं, तो इसका हाइट कैसे हम लोग फाउंड कर सकते हैं, अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो उसी को बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन किसको बोलते हैं, अगर हम लोग सामने से देख रहे होते तो उसी को एलिवेशन बोलते हैं ना। तो एलिवेशन में सामने से देखें उसका हाइट पता चलेगा ना, कि अरे हाँ इतना लंबा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला बात। दूसरा सेक्शन, अगर हम इसको 20 से काट दे ठीक है, 20 से काट के देखे तो भी तो ये हाइट तो दिखेगा हैं जी, हाइट तो कहीं नहीं चला जाएगा, हाइट तो दिखेगा ही, तो इसका ये दोनों करेक्ट आंसर हो गया। जैसे देखिए प्लान, प्लान ऑफ बिल्डिंग, प्लान मतलब क्या होता है, प्लान में खाली हाइट एंड ब्रेथ दिखता है, मतलब हाइट नहीं सॉरी लेंथ एंड ब्रेथ दिखता है। इसमें हम लोग डिजाइन करते हैं कि कहाँ हम लोग को क्या क्या देना है, इसमें हम लोग को हाइट तो नहीं पता चल जाएगा, इसमें ऐसा थोड़ी होगा इसमें खड़ा रहेगा ऐसे करके बिल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा सामने यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है। देखिए ग्राउंड लेवल क्या होता है, बहुत सारा लेवल होता है, जैसे कि ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर हम लोग प्लिंथ डालते हैं तो प्लिंथ लेवल हो गया, फिर सील लेवल डालते हैं, तो प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल का हाइट कितना होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 450-600 mm, ठीक है। कितना याद रहेगा, ये सब डेटा आपको एज ए सिविल इंजीनियर ऐसे भी थ्रू आउट द जिंदगी याद रखना है, ताकि आप लोग कहीं पे मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई घर बन रहा है, तो आप लोगों को कम से कम पता तो रहेगा, ऐसे आपको पता ही नहीं रहेगा कि घर बनने में जनरली क्या क्या यूज होता है, कैसे होता है, तो इसलिए नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, 18 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, द हाइट ऑफ सील लेवल फ्रॉम प्लिंथ लेवल। मैंने बताया जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा लेवल होता है, प्लिंथ लेवल होता है, ग्राउंड लेवल होता है, सील लेवल, तो अब बात आया कि प्लिंथ लेवल से सील लेवल का कितना हाइट होगा, 600 mm होगा, 900 mm होगा, 1200 mm होगा, 1500 mm होगा, तो 900 mm होगा, ठीक है। चलिए इसके बीच में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इतना देर से मैंने नहीं बोला, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा भी मैं आप लोग का हेल्प कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फैला दें, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके सर्कल हैं, सब जगह फैला दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम लोग आगे
करते हैं, ठीक है। उन्हीं से हमारा पूछ रहा है डीपीसी, डीपीसी मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। डीपीसी मतलब हुआ डैम प्रूफ कॉन्क्रीट, ठीक है, डैम प्रूफ कॉन्क्रीट। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको, फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी शुड भी, तीन चार ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है डैम प्रूफ कॉन्क्रीट। तो इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, तो इसका थिकनेस होना चाहिए कितना, 25 mm, कितना होना चाहिए 25 mm, याद रहेगा आपको, याद रहना ही चाहिए। मैं इतने अच्छे से आप लोगों को बता दूँ, याद नहीं रहा तो फिर मेरा बताना बेकार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, द एक्सटीरियर कॉर्नर ऑफ ए वॉल इज नोन एज। अब इसका मतलब क्या हुआ एक्सटीरियर कॉर्नर, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ नहीं समझ में आएगा, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए मैं 3D इमेजिनेशन करने का आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए वॉल है, ठीक है, ये हमारा घर का वॉल है, ऐसे करके बना हुआ है घर। मान लीजिए हम लोग बच्चा में ऐसे करके ड्राइंग बनाते थे, कैसे घर बनाते थे, ऐसे करके घर बना देते थे, इसके ऊपर मंदिर जैसा ऐसा बना देते थे, पता ही नहीं चलता था ये मंदिर है कि घर है। हम लोग खुश हो जाते थे कि लिख वो हमने कितना बढ़िया ड्राइंग बनाया, तो वो ड्राइंग यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ पे हम लोग को डिफरेंस भी नहीं पता था, लेकिन अब ना पता चला कि ये तो मंदिर का स्ट्रक्चर है। तो यही जो होता है, ये जो बीच का जो लाइनिंग है, ये जो आप लोग कैसे इमेजिन में करवाओ, आप लोग अपने घर के देखो, देखो जब कोना देखो, घर का कोना देखो, कोना में कैसे करके मुड़ा हुआ है, तो उस एक्सटीरियर कॉर्नर को क्या बोला जाता है, ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक्सटीरियर कॉर्नर को क्या बोला जाता है। तो उस एक्सटीरियर कॉर्नर को बोला जाता है हमारा क्वाइन, ठीक है, क्या बोला जाता है, क्वाइन, याद रखिएगा आप लोग, ध्यान में रहेगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 21 नंबर पूछ रहा है हमारा, डेडो ऑफ बाथरूम शुड बी, डेडो क्या होता है। अब देखिए बाथरूम में डेडो क्या होता है, आप लोग ये पहले जान लीजिए। मान लीजिए ऐसे करके है, हम लोग यहाँ पे शॉवर लगाए हुए हैं, तो यहाँ तक मान लीजिए ना टाइलिंग किया जाता है, ठीक है। क्यों टाइलिंग किया जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये वॉल जो है लगातार पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, और आपका बाथरूम का अगर वॉल देखिएगा तो वो लगातार पानी के कॉन्टैक्ट में आता है, तो खराब ना हो जाए, ठीक है, क्या नहीं हो जाए, खराब ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पे टाइलिंग किया जाता है, उसी टाइलिंग को बोलते हैं डेडो। तो कितना तक होना चाहिए, क्या वो सीलिंग तक होना चाहिए, छत तक, नहीं, 15 सेंटीमीटर, इतनी सा हो गया, इतनी सा क्या डैमेज प्रोडक्ट कर लेगा, 200 सेंटीमीटर, जी हाँ बिल्कुल 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए डेडो बाथरूम में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है लिंटल अगर ओपनिंग पे सिर्फ दिया जा रहा है, तो उस लिंटल को हम लोग क्या बोलते हैं। ओपनिंग मतलब जैसे यहाँ मैंने बताया कि ओपनिंग है, यहाँ पे खाली है, इसका लोड कौन लेगा, लिंटल लेगा, तो उस लिंटल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो लिंटल का बहुत तरह का टाइप होता है, बैंड लिंटल, पार्ट लिंटल, फुल लिंटल। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, जो क्वेश्चन का यहाँ डिमांड है, वो सिंपल से पूछ रहा है कि अगर ओपनिंग है तो वहाँ पे उस लिंटल को क्या बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, उस लिंटल को हम लोग लिंटल ही बोलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा आप लोग को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूंगा, बस 25 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा। चलिए छज्जा इज प्रोवाइडेड एट, अब इस क्वेश्चन में पूछा है छज्जा कहाँ प्रोवाइड है, आप लोग अपने घर में देखे आपको पता चल जाएगा। तो छज्जा कहाँ कहाँ देंगे, जहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग लिंटर डालेंगे वहीं डालेंगे। तो विंडो ऑफ एक्सटर्नल वॉल, देखिए एक्सटर्नल जरूरी नहीं कि जहाँ जहाँ लिंटर डालेगा वहाँ छज्जा डालेगा, आप लोग यहाँ प्रैक्टिकली समझिए। देखिए ये बाहर के घर के बाहर का दीवार है, ठीक है, यहाँ पे खिड़की है, तो यहाँ छज्जा डालेंगे ना। वही अगर मान लीजिए ये आपके रूम का है, यहाँ पे खिड़की है, तो घर के अंदर रूम में क्या आप छज्जा डाल दीजिएगा, नहीं। तो यहाँ विंडो ऑफ एक्सटर्नल वॉल हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा बरंडा ओपनिंग, बरंडा ओपनिंग में भी हम लोग छज्जा डालते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। क्या करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड सी। समझ में आ रहा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज शोन ऑन प्लान। मैंने आप लोग को बताया था कि प्लान जो होता है हमारा, ठीक है, प्लान आप लोग को बताया कि एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन जब हम लोग बिल्डिंग को सामने से देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन। सेक्शन क्या होता है, जब इसको कट करके देखेंगे तो वो होता है सेक्शन। बट यहाँ आता है प्लान क्या होता है। तो प्लान एक मतलब एक प्लान कर सकते हो कि हम लोग घर में क्या क्या देने वाले हैं, ठीक है, एक मैपिंग कर सकते हो। मैप आप लोग पढ़ा है ना बचपन में, वही है। तो इसमें जैसे कि हम लोग मान लीजिए दो बेडरूम देना है तो दो बेडरूम यहाँ देंगे, एक बाथरूम देना है बाथरूम हम लोग दिखा दिए, किचन दिखा दिए, तो ये प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग में हम लोग क्या क्या देखेंगे, अब जाहिर सी बात है लेंथ देखेंगे, हाइट देखेंगे, क्या इसमें हाइट रहता है, नहीं। तो हाइट नहीं देखेंगे हम लोग, लेंथ देखेंगे, ब्रेथ देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, हाइट देखेंगे, नहीं देखेंगे, लेंथ देखेंगे, देखेंगे, ब्रेथ देखेंगे, ब्रेथ देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, द पोर्शन ऑफ बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड। अब देखिए ग्राउंड लेवल के नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, कितना बार बता दिया, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के नीचे हम लोग क्या देते हैं, ग्राउंड लेवल के नीचे हम लोग फाउंडेशन देते हैं, ठीक है, फाउंडेशन देते हैं ना, ताकि बिल्डिंग स्ट्रांग रहे, इसको लोड को सह सके, उसके लिए क्या हम लोग देते हैं, फाउंडेशन देते हैं। तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, फाउंडेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा आप लोग को। तो यही था आज का हमारा 25 ऑब्जेक्ट
इफेक्टिव यहाँ पे मैंने दो टॉपिक कवर किया, पहला जो था हमारा स्टेयर केस, दूसरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अब जो सेकंड पार्ट में डालूंगा उसमें मैं कवर करूंगा लाइंस एंड डायमेंशन और प्रोस्पेक्टिव एंड डोर्स एंड विंडो। डोर्स एंड विंडो का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डोर्स एंड विंडो का ऑब्जेक्टिव आप लोग का आता ही आता है। आप लोग का लगभग 20 ऑब्जेक्टिव में से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको डोर्स एंड विंडो का मिल जाएगा। और ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बताया इसका भी आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। समझ में आ रहा आप लोग को? चलिए, तो ये था हमारा एसबीटी के बेसिकली एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। और उम्मीद करता हूँ कोई भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस पार्ट में नहीं छूटा होगा, और जो जो बचा हुआ है इस दो टॉपिक से सारा कवर हो गया, जो जो बचा हुआ है वो उसको हम लोग पार्ट टू में कंडक्ट करा लेंगे। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अभी कर दें, और इस वीडियो को फैला दें सारी जगह, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत किया। अभी पता है कितना बज रहा है आप लोग को, मैं बताना चाहूँगा, अभी रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है? आप लोग को 1:30 बज रहा है, सॉरी 1 नहीं बज रहा है, बट देख लीजिए, यहाँ देखिए, दिख रहा है ना आप लोग को, 1:35 दिख रहा है आप लोग को? तो चलिए, तो इसीलिए आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग का भी थोड़ा सा बनता है कि आप लोग भी थोड़ा सा मदद कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट।